एकता कपूर का शो नागिन 6 शो को लेकर एक्सक्लूसिव अपडेट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां पर आपको बताते हैं कि ये जो शो है ये साल 2022 का मोस्ट टॉक्ड शोज में से एक बन चुका है। और आपको ये बताते हैं कि शूटिंग जो है शुरू हो चुकी है और तेजस्वी प्रकाश का एक लुक जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है, काफी देसी लुक में वो दिख रही है। और इसी के साथ आपको बताते हैं कि सिम्बा नागपाल इसमें मेल लीड के तौर पर उन्हें लिया जा चुका है, कंफर्मेशन आ चुकी है। और एक और बड़ी खबर है कि हो सकता है कि उनका इस शो में आप सब डबल रोल देखेंगे। इसी के साथ आपको बताते हैं नागिन 6 को लेकर बड़ी एक अपडेट कि आखिरकार बजट कितना है एकता कपूर का नागिन 6 को लेकर। हालांकि ये जो शो है नागिन की जो सीरीज है काफी हिट गई है, लेकिन कई शोज इसमें से फ्लॉप भी हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि 130 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट लेकर चल रही हैं एकता कपूर की, वो खर्च करेंगी नागिन 6 पर। और जिसके चलते काफ़ी जो बड़े बड़े एक्टर हैं उनकी फीस भी काफ़ी होने वाली है। और इसी के साथ 130 करोड़ रुपए का जो बजट है नागिन 6 का एकता कपूर का है। अब आपको बताते हैं एक बड़ी खबर और आ रही है, अगर ये सीजन हिट नहीं हुआ, ये सीजन अच्छा नहीं गया, तो अगले सीजन से नागिन की जो सीरीज के जो शोज हैं वो नहीं आएंगे, यानी कि अपनी इसी सीरीज को यहीं पर ही बंद कर देंगी एकता कपूर। ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि 130 करोड़ रुपए का एक ह्यूज अमाउंट खर्च करेंगी वो, अगर ये अच्छा नहीं गया तो अगले साल से नागिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये शो अच्छा चला गया, टीआरपी चार्ट में भी आ गया, तो इस शो को आगे कंटिन्यू रखेंगी, इस सीरीज को अगले साल भी वो फिर से वापस लेकर आएंगी। सो ये बड़ी अपडेट शो को लेकर आ रही है। और इसी के साथ उर्वशी ढोलकिया और सुधा चंद्रन भी इसमें कास्ट कर ली गई हैं एक्ट्रेस के तौर पे, और विलेन के रोल में ये दिखने वाली हैं। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं नागिन 6 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।